बाई एयर तो यहाँ से आप अगर वो दे दोगे हमें 600 किलोमीटर वाली जो कैप्सूल आपने दिखाया है, अगर वो मिल जाएगा हमें तो हम बाई एयर, और उसको क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता कि हमारा रास्ता 35 मिनट का ही है, यहाँ से भी 35-40 मिनट दिल्ली है, बुलेट ट्रेन की, बुलेट बस है वो। फिर संगेड़ा जाते हैं, रायकोट जाते हैं, फिर मुल्लांपुर दाखा से, लेकिन ये सीधा आएगा। और उसके लिए हम नेशनल हाईवे अथॉरिटीज के साथ अक्सर हमारी हफ्ते में एक आध मीटिंग तो हमारी हो ही जाती है। जहां तक दिल्ली कड्डा एक्सप्रेस की बात है, तरन तारण, गुरदासपुर और लुधियाना में छोटे 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 पॉकेट हैं, यहां पे थोड़ा काम पोजेशन का रहता है। हम किसानों से बात कर रहे हैं वहां भी, और काम नहीं हम रुकने दे, काम चल रहा है। और इंडस्ट्री भी अब हमारे पास इसीलिए ज्यादा इंडस्ट्री आ रही है क्योंकि सर नेशनल कैपिटल से सिर्फ 2-2.5 घंटे की दूरी पर हैं हम, बाई रोड बाई एयर तो यहां से आप अगर वो दे दोगे हमें 600 किलोमीटर वाली जो कैप्सूल आपने दिखाया है, अगर वो मिल जाएगा हमें तो हम बाई एयर, और उसको क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता कि हमारा रास्ता 35 मिनट का ही है, यहां से भी 35-40 मिनट दिल्ली है, और मोहाली से भी 35-40 मिनट ही दिल्ली है, बुलेट ट्रेन की, बुलेट बस है वो। तो बुलेट की तरह 600 किलोमीटर की स्पीड पे तो आमतौर पे एरोप्लेन चलते हैं। चार सर हमारे पास बड़े एयरपोर्ट हो गए, मोहाली, हलवारा और आदमपुर, अमृतसर साहब, और पठानकोट पहले से चल रहा है सर, और बठिंडा भी अब दिल्ली बठिंडा शुरू हो गई है फ्लाइट्स। तो प्रोजेक्ट्स के बारे में जो हमारी तरफ से सहयोग चाहिए होगा, क्योंकि हमारा ही काम है असल में ये, जब भी इनके पास हम समय लेके जाते हैं तो जितना हम सोचते हैं उससे ज्यादा पाते हैं कि ये भी करवा लो, ये भी करवा लो। आज मुझे जब तक यहां मैंने इनका स्वागत किया तब तक मुझे मेरे दिमाग में जो स्क्रीन पे चल रहा है ये नहीं था। मैं इनको एक पोल्यूशन कम करने की एक आइडिया बता रहा था कि मैं अमृतसर में जी 100 बसेस, शटल बसेस शुरू करना चाहता हूं, दरबार साहब से एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से बाघा बॉर्डर, दुर्गियाना मंदिर से बस स्टैंड, ऐसे। तो इन्होंने कहा बसेस शुरू मत करना, अभी मैं आपको वो स्काई ट्रांसपोर्ट दे रहा हूं जो अमृतसर से ही शुरू करेंगे। तो मैं मतलब मैंने ये सोचा नहीं था कि ये हमारे अमृतसर साहब में इतना बड़ा पवित्र धरती है सर, यहां से तो जो कुछ मांग लो वो परमात्मा पूरा करता है। तो ये जो चीज चल रही है ये स्क्रीन पर, तो ये चीज अगर हमारे अमृतसर साहब में आएगी, 1 लाख से ज्यादा फुटफॉल है सर हर रोज। और जहां पे अभी जाएंगे आप रिट्रीट सेरेमनी देखने के लिए बाघा बॉर्डर पे, सर सैटरडे संडे को 30,000 फुटफॉल है सर, पूरा स्टेडियम बना हुआ है क्रिकेट मैच, और मोहाली वाले क्रिकेट स्टेडियम की हमारी 25,000 की कैपेसिटी है।